नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। अभी तक मैं आपको कटिंग और सिलाई के बारे में बता रहा था, लेकिन आज थोड़ा हम फैशन डिजाइनिंग के बारे में ही बात करेंगे। फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपको तीन चीज़ों पर काम करना होगा। हमें कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वूलन कपड़ा होता है, कॉटन है, सिल्क है, पॉलिएस्टर है। ये कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ से आता है, आप जब उस कपड़े पर हाथ लगाते हैं तो आपको फील से पता लगना चाहिए कि ये वूलन है या कॉटन है या सिल्क है, पॉलिएस्टर है। जैसे जो लोग भी टेलरिंग का काम करते हैं, उन्हें जब काफ़ी वक्त हो जाता है तो वो आँख बंद करके ये आपको बता सकते हैं कि ये कौन सा कपड़ा है। जैसे भेड़ के जो बाल होते हैं उससे वूलन कपड़ा बनता है, सिल्क पौधों से लिया जाता है, एक कीड़े से भी बनता है, कॉटन कपड़ा खेती करते हैं हम कपास की उससे बनाया जाता है, पॉलिएस्टर एक प्लास्टिक है जो इंसान का बनाया हुआ है। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो इनको मिक्स करके बनाया जाता है। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मुझे किस कपड़े की ज़रूरत है, किस कपड़े पे ये डिज़ाइन निकल कर आएगा। दूसरी चीज़, हमें सिलाई और कटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, हमें स्केच करना आना चाहिए, हमारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका है जो सबसे अलग होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। किसी भी डिज़ाइनर के डिज़ाइन को देख करके कोई भी कारीगर या मास्टर उसकी कॉपी बड़े आराम से कर सकता है, जबकि होना ये चाहिए कि डिज़ाइनर को ऐसा डिज़ाइन निकालना चाहिए कि कम से कम उसकी कॉपी तो आसानी से ना कर पाए कोई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बड़ी आसानी से उनके डिज़ाइंस की नकल कर लेते हैं। यूट्यूब पर जितने भी डिज़ाइंस होते हैं उनकी हम आसानी से नकल कर पाते हैं। एम्ब्रॉयडरी अगर आप करवा रहे हैं किसी भी कपड़े पर, तो एम्ब्रॉयडरी कोई भी कर सकता है, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी कोई भी कर सकता है, हैंडवर्क कोई भी कर सकता है। आप कटिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे सपोज करो पैंट की कटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें तो कोई डिज़ाइन होता ही नहीं है। कोई भी आप कोट काटते हैं उसमें डिज़ाइन डालते हैं तो वो तो कोई भी बना सकता है। आज मैं आपको एक पैंट की कटिंग दिखाऊंगा जिसकी नकल करना आसान नहीं होगा। जो लोग भी टेलरिंग करते हैं वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं। आप जहाँ पर भी हैं और जैसे भी काम कर रहे हैं, आप डिटेलिंग में काम कीजिए, अच्छे से अच्छा काम कीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए 4-5 तरीके होते हैं। सबसे पहले हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी, कपड़े की प्रिंटिंग, कपड़े को किस तरह से कटिंग करना है जो लुक अलग आ जाए उसका, मतलब कटिंग के जरिए स्टाइल डालना, ये सब तो आपको आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो सबसे अलग होगा। आपने पैंट की कटिंग तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको पैंट की कटिंग दिखा रहा हूँ उसको शायद ही बहुत कम लोग काटना जानते होंगे। इस पैंट में साइड में और इन साइड में ज्वाइंट नहीं होता। ये मेरा तरीका है काम करने का, कि कोई भी जब मैं डिज़ाइन बनाता हूँ तो उसकी नकल करना इतना आसान ना हो। आपने पैंट की कटिंग तो देखी होगी, जब से पैंट आपने बनाना शुरू किया है तब से सिर्फ एक ही चीज़ आपने देखी होगी कि उसकी साइड में और इनसाइड में जोड़ जरूर होता है, चाहे वो कैसी भी पैंट हो, चाहे बेगी हो, चाहे वन पीस पैंट हो, चाहे टू पीस पैंट हो, कैसी भी पैंट हो, बिना जॉइंट के वो बनती नहीं है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा पैंट में साइड में और इनसाइड में बिना जोड़ के भी पैंट बनाई जा सकती है। यही होता है डिज़ाइनर का काम, कि बिल्कुल अलग तरह से काम करके दिखाए ताकि उसकी कोई नकल करना बहुत मुश्किल हो जाए। आगे भी मैं आपको सिलाई और कटिंग की नॉलेज देता रहूँगा, लेकिन इस तरह की जो कटिंग होती हैं, जो कोट में भी होती हैं, जैकेट में भी होती हैं, शर्ट में भी होती हैं, जिनको हम कहीं से भी काट सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को शोल्डर काटें तो यहाँ जोड़ होगा, साइड काटेंगे तो यहाँ पर जोड़ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, हम कहीं भी जोड़ दे सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो जादू की तरह काम करेगी। तो चलिए देखते हैं ऐसी पैंट की कटिंग जिसमें साइड में और इनसाइड में जोड़ नहीं होता। यही वो पैंट है जिसमें साइड में और इनसाइड में जोड़ नहीं आएगा। ये हमारी फ्लाई होती है यहाँ पर, और ये हमारा क्रीच का निशान होता है।
ये क्रॉस पॉकेट का निशान है और ये हमारा हिप पॉकेट का निशान है। इस पैंट की कटिंग इस तरह से की जाती है कि ये जो सिलाई हम करते हैं ये छुप जाती है, ये साइड से और इन साइड से दिखाई नहीं देगी आपको। सिलाई तो होती है एक, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। ये हमारा बैक का निशान है, एक जोड़ यहाँ पर आएगा और ये हमारी बैक पॉकेट का निशान है। इस तरह की जो कटिंग होती है पैंट की, ये शायद दुनिया में बहुत कम लोग इसे जानते हैं। इस तरह की पैंट जब हम काटते हैं इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी तरह की शेप इसमें दे सकते हैं, टाइट फिटिंग दे सकते हैं, लूज़ नॉर्मल प्लेट वाली पैंट सब तरह। इसमें मैं प्लेट डालूँगा दो और बनने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा इसकी क्या शेप आती है और दिखने में कैसी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। अभी आपने ऐसी पैंट की कटिंग देखी जिसमें साइड में और इनसाइड में जोड़ नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था मुकेश अंबानी का, जिसकी जैकेट में बहुत बड़ी अल्ट्रेशन थी, जबकि उनका डिज़ाइनर कोई छोटा मोटा डिज़ाइनर नहीं था। अगर वही जैकेट कोई तजुर्बेकार टेलर अगर बना देता तो वो उससे बहुत अच्छे बना सकता था। कल ही मैंने सलमान खान का एक पोस्टर देखा था, उन्होंने एक कुर्ता पहन रखा था, क्रीम कलर का कुर्ता था, तो उसमें बहुत ही भयंकर अल्ट्रेशन थी, वही कंधे की अल्ट्रेशन थी। हमारा तो काम ही ये है, तो हमें तो इन चीज़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कपड़े कैसे हैं। आप भी सब देखते ही होंगे। आप शोल्डर लेवल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ आसानी से। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।